असलम स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन आई एम योर क्लास टीचर मैम नादिया टूडे सब्जेक्ट इज कम्प्यूटर एंड योर टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसिस पेज नंबर नाइन यू हैव ऑलरेडी लर्न इनपुट डिवाइसिस इनपुट क्या था वो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आउटपुट क्या होता है वो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होती है और उसके अगेंस्ट वो जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट होती है आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो रिजल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर से रिजल्ट को शो करने के लिए अब देखते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं मोनीटर्स प्रिंटर्स स्पीकर्स हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर्स आर आउटपुट डिवाइसेस ये सारी क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस अब हम अपनी फर्स्ट डिवाइस देखेंगे कौन सी है मोनीटर अ मोनीटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर मोनीटर क्या है सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की इट शो एन आउटपुट जस्ट लाइक अ टेलीविज़न और ये टेलीविज़न की तरह आउटपुट शो करती है टुडे आजकल वी यूज़ एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स मोनीटर्स हम क्या यूज़ करते हैं एलईडी और एलसीडी मॉनिटर्स मोनीटर्स यूज़ करते हैं एज आउटपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर और ये कंप्यूटर के क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं अगेन देखें मोनीटर क्या है मेन आउटपुट डिवाइस है और ये टेलीविजन की तरह आउटपुट शो करता है क्योंकि देखें मोनीटर लुक लाइक लाइका टेलीविजन और आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं एलसीडी और एलईडी और ये भी आउटपुट डिवाइसेस है नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर टेन पे सेकेंड डिवाइस है हमारे पास प्रिंटर अब प्रिंटर इज द सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी क्या है आउटपुट डिवाइस है इट इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर ये पेपर पे क्या करती है प्रिंट करती है और ये पेपर पर प्रिंट निकालने के लिए यूज की जाती है ये देखें इस पिक्चर में ये है हमारे पास प्रिंटर नेक्स्ट डिवाइस है स्पीकर्स ये देखें ये है स्पीकर्स स्पीकर्स आर आल्सो कॉमन आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स भी क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं दे आर यूज्ड टू लिसन टू साउंड और ये किस लिए यूज होते हैं साउंड को आवाजों को सुनने के लिए स्पीकर आर सेपरेट अंटिल अटैच टू अर डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप है स्पीकर डेस्कटॉप कंप्यूटर में स्पीकर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और लैपटॉप में स्पीकर लैपटॉप के अंदर ही अटैच होते हैं नेक्स्ट है हेडफोन्स हेडफोन्स समटाइम्स कॉल्ड एयरफोन्स आई यूज टू लिसन टू ऑडियो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स हेडफोन्स को बाजात एयरफोन्स भी कहते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं ऑडियो को सुनने के लिए बगैर किसी बगैर किसी मुश्किल परेशानी के यू कैन आल्सो लिसन टू रिकॉर्डेड वॉइस सर्च एज रेसिटेशन ऑफ द होलिक्रॉन और हम इसमें रिकॉर्डेड वॉइस को भी सुन सकते हैं जैसे कि हम तिलावत कुरान सुनते हैं इसमें आज हमने क्या पढ़ा कि हेडफोन्स को क्या कहते हैं एयरफोन्स भी कहते हैं इसमें हम क्या सुनते हैं ऑडियो वॉइस सुनते हैं और इसके अलावा हमें इसमें रिकॉर्डेड वॉइस भी सुन सकते हैं और तिलावत कुरान पाक भी सुन सकते हैं इसमें नेक्स्ट है हमारी पेज नंबर इलेवन प्रोजेक्टर अ प्रोजेक्टर इज यूज कंप्यूटर टू इनलार्ज द व्यू ऑफ वीडियो और डाटा प्रोजेक्टर कैन डिस्प्ले द आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन और अ वॉल जो वीडियो और डेटा हम कंप्यूटर पर छोटे साइज में देखते हैं और वो वीडियो हम प्रोजेक्टर की मदद से बड़े साइज में भी देख सकते हैं इसके अलावा और प्रोजेक्टर अपना आउटपुट कहाँ देता है किसी बहुत बड़ी स्क्रीन पर या दीवार पे जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें अप प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के थ्रू आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं क्लासरूम टीचिंग और प्रोजेक्टर के थ्रू आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं एट होम <coughs> अपने घरों में आप इससे मूवी भी देख सकते हैं आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अब हम करेंगे पेज नंबर ट्वेल्व पर्सनल कंप्यूटर्स अ पर्सनल कंप्यूटर जनरली कॉल्ड पी सी इज डिजाइन टू बी यूज बाई अ सिंगल यूजर इट इज यूज इन होम्स एंड ऑफिस पर्सनल कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं और इसको डिजाइन किया गया है सिंगल यूजर के लिए एक पर्सन के यूज के लिए इट इज यूज इन होम्स एंड ऑफिस और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है घरों में और दफ्तरों में टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड यूज साइज और इस्तेमाल के लिहाज से पर्सनल कंप्यूटर को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है नंबर वन है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर यूज्ड इन होम्स स्कूल्स एंड ऑफिस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं घरों में स्कूलों में और दफ्तरों में दे आर अवेलेबल इन टू टाइप्स ऑफ केसिंग्स टॉवर केसिंग एंड डेस्कटॉप केसिंग एज शोन बिलो और ये हमें मुहैया होते हैं दो टाइप्स में डेस्कटॉप केसिंग में और टावर केसिंग में नेक्स्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की सेकंड मेन टाइप पोर्टेबल कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पोर्टेबल कंप्यूटर जो होते हैं ये साइज में बहुत ही छोटे हो, होते हैं और इनको हम ये जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह द मोस्ट पॉपुलर पोर्टेबल कंप्यूटर इज अ लैपटॉप और इसमें बहुत मशहूर कौन सा है लैपटॉप देयर आर आल्सो लैपलेट्स एंड टैबलेट पीसीस अ लैपलेट पीसी हैज अ टच स्क्रीन डिस्प्ले इट कीबोर्ड कैन बी डिटैच्ड इफ रिक्वायर्ड अ टैबलेट पीसी हैज अ टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड एन एंड एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे कि ये है हमारे पास लैपटॉप ये है लैपलेट पीसी इसकी डिस्प्ले जो होती है ये टच स्क्रीन होती है और इसको हम कीबोर्ड से अलग भी कर सकते हैं ये है टैबलेट इसकी जो स्क्रीन होती है ये इसकी इसी पे इसकी कीबोर्ड ओके बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर फोर्टीन वर्कशीट वन लेबल द फॉलोइंग ये क्या है हमारे पास मॉनिटर ये क्या है माउस ये कीबोर्ड ये क्या है सीपीयू जैसे मैंने यहाँ इसके सामने आंसर्स लिखे हैं आप सब ने भी इसके सामने यहाँ आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास व्हाट एम आई आई प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डैश डैश में क्या आएगा सीपीयू बी देखें आई एम द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर डैश ये कौन कह रहा है कि मैं ब्रेन हूं कंप्यूटर का सीपीयू फर्स्ट में आई प्रोडक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ये किसने कहा है ये भी सीपीयू ने कहा है थर्ड देखें आई एम यूज फॉर टाइपिंग ये कौन कह रहा है कि मैं टाइपिंग के लिए यूज होता हूं कीबोर्ड आई शो वट एवर यू डू ऑन अ अम्प्यूटर यह कौन कह रहा है मोनिटर आई कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द मोनिटर स्क्रीन ये किसने कहा माउस ने थर्ड क्वेश्चन देखें आइडेंटिफाई एंड लेबल द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट स्टेजेस ऑफ अ कंप्यूटर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सबसे पहले जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो इनपुट कहाँ से स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से फिर वो काम प्रोसेस कौन करता है सीपीयू, देन आउटपुट कौन देता है मॉनिटर, यहां आएगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर सिक्सटीन पे पेज नंबर सिक्सटीन पे है हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स मैं आपको लेटर्स बोल रही हूं फर्स्ट है सिस्टम सेकेंड है यूनिट थर्ड है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है लैपटॉप आउटपुट प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट इंफॉर्मेशन लैपटॉप आउटपुट प्रोसेसिंग नेक्स्ट है डेस्कटॉप पोर्टेबल डेस्कटॉप पोर्टेबल क्वेश्चन नंबर टू देखें टिक द करेक्ट नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द चूज एन चूज इज गिवन द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू फर्स्ट हमारे पास डन है सेकेंड देखें सीपी क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है प्रोसेसिंग है या आउटपुट डिवाइस है क्या है प्रोसेसिंग मॉनिटर क्या है इनपुट है प्रोसेसिंग है या आउटपुट आउटपुट में टिक करें स्कैनर क्या था हमारे पास इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस क्या है इनपुट डिवाइस प्रोजेक्टर क्या था इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस टिक करें आउटपुट डिवाइस को नेक्स्ट हम करेंगे ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर अ सिस्टम यूनिट कंजिस्ट ऑफ अ केजिंग एंड मैनी डैश डैश में आएगा इंटरनल पार्ट्स बी देखें सीपीयू स्टैंड फॉर डैश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नंबर सी अ अम्प्यूटर आउट वर्क इन डैश बेसिक स्टेप कितने बेसिक स्टेप्स थे थ्री डी देखें अ पर्सनल कंप्यूटर इज जनरली कॉल्ड अ डैश पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं पीसी सी देखें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन टॉवर केसिंग एंड डैश केसिंग डैश में क्या आएगा डेस्कटॉप